हेलो जी, जय श्री कृष्णा। मैं मोनिका बठिंडा नहीं संजना ब्लॉग के सारे भैन भरावों का स्वागत करते हैं जी। अच्छा, ये नहीं कर मैं खोलूँगी। अच्छा। लो जी, अज मैं थोड़ा सारे भैन भरावों बहुत सोहने सोहने भांडे दिखाऊंगी, बहुत ही सोहने, जिन्हों के मतलब कि इन्नी पूरी लाइफ टाइम तक गरंटी है। स्टील दे हैं सारे, मतलब कि है, मतलब कि प्लेटा हो गए। मैं तुम दिखा दिनी हाँ भी केड़ी केड़ी चीज़ है जी। ठीक है, वह भी चक के लिया, अंदर वाले भी चक लिया, अंदर ही ले जाओ। है लाइट नहीं है जी उत्तर, हाँ क्योंकि वैदर बहुत खराब हो रहा ना। फिर पहला एक मिनट ए कर इन बॉक्स में इधर कर, बॉक्स नीचे उतर जाओ, इतने उतर, फिर बाद चा बाहर का व्यू भी दिखावे। उन्हें खोल ला, उपर तो ना मैं पोली जो लाई भी है, खोल ला। लो जी, है ना इन्नी जोर जोर देना फिसा, क्योंकि मैं कल उन्होंने बबल रैपिंग भी करूँगी ना, खोल छ गिलास फल गिलास खोल, हाँ खोल गिलास मैं भी खोल दे, एक सिर्फ एक, हाँ दो खोल, बाकी सारे सेम है। आलो जी, ये है जी स्टील के गिलास। ठीक है जी, डिजाइनिंग हाँ, है सेम है डिजाइनिंग तो सारे गिलासों की। ये अपने लाए हैं जी 12 गिलास, तो 12 गिलास हैं जी स्टील दे, साइज भी है ना, मतलब कि जिन्हें आप आम पीने ना, आप भी खुली डुली चाह पानी पीने ना जी, तो वो ठीक है। वैसे असी तो फिर भी हूँ तक गिलासों से पीए लें चाह, पर बहुत घट लोग पीते हैं, है ना भैन भरा, चाह गिलासों के नहीं पीते हैं, ओनली सिर्फ पानी ही पीते हैं। आप पी लें जी हजे तक गिलासों के चाह, कप्पां च जो कोई आता उदों ही पीने, नहीं तो गिलासों से पीने जी चाह। लो जी, ये है कटोरियाँ, ब्लैक नहीं है ये, नहीं बेटे स्टील है, चमक ज्यादा है, हाँ मैंने कहा ब्लैक कलर, हाँ चमक ज्यादा है ना। साइज दिखा, सेम सेम साइज है ना, हाँ एक के अंदर एक है, हाँ सेम है, हाँ साइज सेम है। तो इन्हों हाँ लिफाफे के पीछे पा ला, क्योंकि एक दूजे एक 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 नहीं दो दो है, दो दो है। अच्छा, ये है जी अपनी 24 कटोरियाँ जी। ठीक है, 24 कौलियाँ, किसी भी भैन भरा ने मंगाना है ना जी। ये हैगा जी मैं थोन दस दी कि चीज़ का, ये हैगा अपना विनोद क्राफ्ट, ये विनोद क्राफ्ट का जी डिनर सैट है बेटी, दे दोबारा दे, बच्चे जरूर मेरी हेल्प कराते हैं हमेशा ही, बैडशीटा दिखाने के भी वैसे भी जरूर करवाते हैं जी। आलो जी, एन मतलब कि ना बहुत ही वधिया जी, बहुत ही सोहना है। ठीक है जी, हलो जी एन मतलब कि ना जी लेयर है ना ये बिच, ये लेयर की चमक मार दी है, एन मतलब कि पूरा सुपर सॉफ्ट है। ठीक है जी, आलो जी देखो कॉटन क्राफ्ट ना, सॉरी कॉटन क्राफ्ट कहनी है, हाँ जी मेरे को कॉटन क्राफ्ट दी भी बैडशीट आती है ने, आ गई लाइट, चलो एक बड़ी लाइट ला दी, जी मेरे को कॉटन क्राफ्ट आती है ना, बहुत ही सोहनिया बैडशीटा होंगे ने, हम कॉटन क्राफ्ट की बैडशीटा हो गई, तो विनोद क्राफ्ट का डिनर सेट हो गया। ये बड़ी प्लेट, हाँ ये है जी, ये छोटी प्लेट है, वैसे हाँ छोटी प्लेट भी ठीक रहती है जी, बड़ी हाँ छोटी भी ठीक रहती है। अरे जी सेम डिजाइन है ना, हाँ आलो जी, नहीं इसके अंदर थोड़े टेढ़े मेढ़े हैं, इसके अंदर सीधा है। अच्छा जी, आलो जी ये हैगी है जी बड़ी प्लेट। ठीक है जी, एन हैवी है, भारी है, घट्टो घट अगले ने कहें असी थोड़ा 60 अब्बल माता पूरी लाइफ टाइम की, फिर भी असं घट्टो घट 60-70 साल की गरंटी दे रहे हैं थोड़ा इस प्लेटा की, भी कितने नहीं जाते हैं, ये बिच पाई दे बेटे। ठीक है जी, ये हो गई अपन कटोरियाँ हो गई जी, ये तो प्लेटा हो गई, हाँ जी एक एक, चलो दो रख दो जी, मैं आप दो सब्जियाँ देखो जी जी, मैं हैगा ना इदा ही है जी, बहुत ही सोहना डिनर सैट है, ये ना काफ़ी हैवी हो गया सीगा, ये ना फिर मैं पैक करवा ली सी, हूँ ही ओपन किया सगों मैं, बहुत वधिया जी पुत्र, ओ बाबू ए ना पुत्र एक एक कटोरी दो दो जिदा जिदा आया बिचे पा दे। ठीक है, हाँ अभी दिखानी मैं। आलो जी, हूँ ये हैगी जी चाह वाली कैटल, ये मेरी दीदी ने ना जी पूरा ऐतकी, हाँ जी ये पूरा ना जी डिनर सैट बनवाया, अपन ओपन
सॉरी लूज लेके ही बनवाया, ओपन कह रही हूँ, लूज लेके ना आप डिनर सैट तैयार करवाया, जेड़े जेड़े भांडे विच चाहिए सीगे, जेड़े हैगे सीगे, वो तो चलो कोई भी भैन भरा ये नहीं लैंदा हैगा भी इन्ने डबल डबल भी चलो ज़्यादा की करने हैं, वैसे जेड़े जेड़े हैगे वो नहीं लिए हैगे। देखो ये हैगी है जी 6 घंटिया, जिदे विच 6 घंटे चाह गर्म रहती है, ये वो है जी। मैं पता है जान के क्यों ली है 6 घंटिया वाली चाह वाली गर्म, मैंने सोच समझ के ली है जी। पता क्या है जी, चाह नूं आपां ज़्यादा देर तक ना वो बेही हो जाती है। इधर दे बाबू खोल के दिखा रही हूँ। हाँ खोल तो मैं आपे दूंगी, तो पहले मैं दिखा दूँ। ठीक है जी, एन मतलब कि 1.5 लीटर दी है, मैं खुली डुली ली है। मैं चलो कई बार असं कितने टूर पर जाना होंगे या है ना जी, दुध पा ले जो जो मर्जी पा ले जो, मैंने यदि शेप भी सोहनी लगी, सगो जी एदों ज़्यादा महंगी सी ना मैं शेप वधिया लगी, तो मैं ये शेप ज़्यादा सोहनी लगी, कंपनी की है जी सैलो। ठीक है जी, सैलो कंपनी की है। तो ये ना 5 घंटे दुध गर्म रहेगा, 5 घंटे पानी गर्म रहेगा, 5 घंटे ये चाह गर्म रहेगी। 6 घंटे बोले थे। हाँ उन्होंने बस 5 या 6 घंटे बोले पुत, 5 या 6 घंटे, पर पूरी रात 24 घंटे वाली होर सीगी, पर फिर मैं सोचा भी 6 घंटे वाली वो ठीक है, 5 या 6 जो। हाँ पता क्या, 24 घंटे वाली तो बेटे कोई दिन रात थोड़ी कोई भी इंसान सौंदा इन्ने क, तो चलो चल जाता। ये लो जी, ये हैगी है अपनी, ये रिफाइंड नहीं बेटे, अचार वास्ते कभी भी स्टील का भांडा नहीं यूज करते है, कोई भी नहीं करता, खराब हो जाता अचार से। तो मैं अगले ब्लॉग ना जरूर दिखाऊंगी। ये है जी, ये है आप रिफाइंड भी पा सकते हैं, नाल चम्मच भी मिले, तो ये आप डालडा घी भी, देसी भी, चलो जो भी आप इस्तेमाल करते हैं ना भी आप अपने घर के पा सकते हैं। आ देखो जी, ए एक एक फ्लावर काफ़ी भांड्या ते बनया होया, ते मतलब क्या ना सोहनी हैवी है, बहुत वधिया जी। नाले एक गल मेन पता क्या है, हुण साडे है जी किचन दे विच है साडे ना इत्थे नूं गड़ी जी करके ना उहदे विच नूं चम्मच दी ना डंडी पै जांदी आ, उह मैनूं बिल्कुल सही नहीं लगता हैगा, क्योंकि उहदे विच नूं ना कई वारी कीड़ी कुड़ी भी बड़ी आ, फिर उह वधिया नहीं लगता हैगा जी। ये वधिया लगता है जिहड़ा पूरा बंद होवे ना, ये सोहना लगता है, एवं ढक दो एन बंद हो जाता है, इन्हें भी पा भी कचौरी। हाँ जी, ये है जी, ये है हलुआ प्लेट, सुकी प्लेट, सुकी सब्जी पा लो, हलुआ प्लेट पा लो, वो अपनी मर्जी है जी। ठीक है, पाने तो चाहे तरी वाली भी पा ले बंदा, जिन्हें तरी वाली पानी है, पर मेन वैसे ये हलुआ प्लेट आती, हलुआ प्लेट वास्ते होंगी, सुकी सब्जी वास्ते होंगी है, इन्हें दो मेन कमां वास्ते होंगी है जी ये। ठीक है जी, सेम डिजाइन है। तो ये आ गई जी हम थालियाँ, ये मैं बहुत वधिया लगती है जी, ये वाली थाली, ये थाली भी बहुत वधिया जी। तो ये आ गई जी थाली। ठीक है, ये साडे भी है ने किचन च जी। हाँ साढ़े 3 है जी बच्चों वास्ते, साढ़े छोटे वाले बच्चे 3 ये खाते हैं जी रोटी, एक च सब्जी पा लेंगे ने, कई बार एक च कोई दही पानी हो गया, कोई भी पानी हो गया वो चीज़ पा लेंगे ने, ये जे रोटी रखनी है रोटी नहीं फिर चावल पाने जी, नाले डीप है एक दूजी चीज, जिमें यदि चीज़ ये नहीं गिरेगी चीज़, और रुक जा बापू बिचे लग गया। चलो ये आ गया जी अपना तांबे दे। हाँ जी तांबे दे हैं जी, ये मतलब कि किसी भी भैन भैन भरा कोई भी चीज़ चाहिए जरूर मैं ऑर्डर दे सकता है जी। बना लो। हाँ जी, तांबे दे विच कदी भी गर्म चीज़ नहीं पता, तांबे दे विच कदी भी कोई भी गर्म चीज़ नहीं पैंदी हैगी, क्योंकि तांबे का भांडा फिर हो जाता खराब, ये ओनली ठंडा पानी, कई भैन पीदियां ने ना तांबे दे विच ठंडा पानी रात को रख दिंदियां ने ठंडा पानी, फिर सवेरे पी लैंदियां। ये मैं अपने हिसाब नाल एक थोड़ा जिहा वड्डा लिया ई, एक थोड़ा जिहा छोटा लिया ई, बहुत सोहना है जी, बहुत वधिया, सारे भांडे च एक एक चमक आ, किसी च कोई भी झरीट नहीं, नैचुरली देखण दे विच बहुत ही एन हैवी भांडे ने, क्वालिटी के भांडे आ, बहुत सोहने आ, मतलब कि बहुत ही वधिया जी। ठीक है जी, तो ये आ गया जी डबल लेयर वाला जग, ये डबल लेयर का जग है जी, ये ना डबल स्टील है, मतलब कि ये भी जो आप ठंडा पानी पा देंगे तो काफ़ी देर तक ठंडा रहेगा, नाले आराम नाल ढक्कन चक हो जाता, पहले तुसीं ढक्कने देखो, आ देखो जी बहुत सोहना, एक एक चीज़ जी मैं मतलब कि ना बड़ी चुन चुन के लैनी हूँ, एक एक चीज़ बड़ी एन सोहने तरीके नाल, देखो हर कोई पैसे लाता है तो फिर जो आप कितने आप 1000 रुपये की चीज़ लेने लगे ना, आप इदो कह देना भी 2000 की आ जाएगी, पर चीज़ वधिया होवे, ताकि ये चीज़ा रोज़ रोज़ लिया नहीं जाए है, कपड़ा एक बार खराब हो जाएगा आप कह देना कोई गल नहीं चलो हो गया कोई नहीं है, पर यह चीज़ा लाइफ टाइम लिए ना अपनी किचन के चाहिए होंगे जी। ये लो ये भी जगना है लंबा चौड़ा बहुत, हाँ भांडे चाहे दिखता होंगे पुत,
ते बहुत सोहना जी अपना होर क्या है बस अच्छा एक च पा दे कलू ना आप लेके आवेंगे बबल रैपिंग एक एक चीज़ न बबल रैप करांगे ताकि ना कोई चरीट पवे ते ना ही मतलब कि वह हो ठीक है ये बिचे ला तो जग दा ना जग ला बाबू जग दा ना जग दे बिचे ला इना हाँ इनू भी बिचे पा डब्बे दे बॉक्स दे बिचे रख किसी भी भैन भाई ने कुछ होर क्या वे हाँ ये पा दे हाँ ये पा सारा बॉक्स के बिच पा के ना रख सारे भांडे एक आ जाएंगे आलो जी ले रख दे ना पिछे पा दे कोई नहीं डस्ट डुस्ट तो वैसे तो कलू कर दूंगी मैं पैक कलू लियाऊंगी मैं ये बबल रैप आ प्लेटा भी बिच आ नहीं आएगा इनू उप इनू बॉक्स वो पिछे पा दे हाँ हाँ बॉक्स दे दिया हलो जी भांडे बहुत सोहने ने जेड़ा मर्जी भैन भरा मंगवा लियो जी सबनों भेजांगे भांडे तो ऐन चंगी तरह भेजांगे वैसे थोड़ा जिहा ना हुण मैनूं बोन चाइना दा हो गया अपनी एक सिस्टर नूं भेजे सीगे उहदे विच ना कुछ प्लेटा मतलब कि खराब तिड़ गईयां इस करके ना हुण मेरा मन है भी बोन चाइना हमेशा असीं DHL तों भेजांगे तो स्टील हो गया अपना तो कपड़ा हो गया यह असीं भेजांगे पोस्ट ऑफिस चों क्योंकि इन्हां कंट्रियां दीआं पोस्ट ऑफिस दीआं जिहड़ियां सिद्धियां फ्लाइटां बड़े आराम नाल जा रहियां कोई दिक्कत नहीं कोई बाजी नहीं एक सिर्फ इटली नूं छोड़ के जी एक इटली दे विच नहीं असीं पार्सल कढ़दे हैंगे पोस्ट ऑफिस चों ओनली होर सारियां कंट्रियां दा पार्सल असीं इहदे थ्रू कढ़ रहे हां जी हले इहनूं खोल विच रख दी इहनूं इहनूं उठा पुत्त इहनूं उठा दे ना सही ना बंद कर दे समझ ना मेरी अखां च लाइट पै रही है एक मिनट हाँ रख दे इदां रख दे एक मिनट आ इसी बॉक्स दे बिच जाएगा सारा पर नहीं बड़ा बॉक्स ला देंगे क्योंकि थर्माकोल भी लगेगी हाँ बॉक्स दूजा लगेगा थर्माकोल लगेगी ना एदे विच ना वो नहीं आ जाएगा संजा वो वालियाँ बेडशीटा है ना इसी बॉक्स दे बिच है ना आ जाएंगे ना हाँ ले कड एदे चो फिर कडो तो सारा ठीक है हाँ आपा एदे ए एसी समान नु दूजे बॉक्स दे बिच पाओ क्योंकि बड़ा ओदे विच थर्माकोल भी लगेगी ना हाँ थर्माकोल दे विच फिर भांडे ना हिलणगे नहीं क्योंकि थर्माकोल नु कट कट के ना एक गिलास फसावांगे थर्माकोल दे विच ताकि क्योंकि खड़के हाँ हाँ सेफ भी जाएगा तो नाले खड़का भी नहीं होएगा बिल्कुल भी लो जी हुण आपां दूजा पार्सल इहदे विच पा देंगे जी पार्सल वाला समान ठीक है जी ले बॉक्स खाली कर लो हो जाएगा तो बाकी हुण मैं थोनू बाहर का वैदर दिखानी हाँ भांडे बहुत सोहने ने ते मतलब कि तुसी संजना ब्लॉग नू सर्च करके जदों मर्जी मेरे को मतलब कि इन्निया वधिया हुण ना एक चीज़ होर आ रही है जी हुण ना मतलब कि कहिंदे ने आ बंद करती जी सारे ने प्लास्टिक दी अगे आपां प्लास्टिक दी बोतलां दे विच रख पानी ठंडा रखदे सी ना फ्रिजर दे विच हुण सब ने बंद करतीआं जी प्लास्टिक दी बोतलां यूज करनीआं इत्थे जिन्ने भी बड़े बड़े मतलब कि हाई लेवल दे मतलब कि कोठियां घर ने ना हाई लेवल दे लोक ने मेरा मतलब कहण दा सब जी कंच दीआं बोतलां दे विच पानी मतलब कि पीने आ जी सारे कंच दी बोतल दे विच ठंडा पानी रखदे आ हुण ते फिर उसे नूं जी आप मतलब कि स्टील के जग च पा लो या फिर गिलास च पा लो अपने कोल टेबल ते रख लेंदे ने ते उहदे विच ही सारे जने इदां यूज करदे आ ठीक है जी ते बाकी किसी ने भी मंगवानी आ वो असीं DHL तो भेज देंगे क्योंकि DHL दी ना ओ भेजदे आ कोई भी मैं डिनर सैट होगा कोई होगी वो सेफ्टी नाल चला जांदा क्योंकि मैं पहला बोन चाइना का बहुत सारा समान घट्टो एक डेढ़ क्वांटल दे नेड़े तेड़े ना कैलिफोर्निया दे विच डिनर USA हाँ USA कैलिफोर्निया सेम ही हो गया जी उत्थे भेजिया सीगा डिनर सैट बड़े आराम नाल गया कोई टुटिया नहीं कुछ नहीं होया हैगा ते कंच दे भांडे भी भेजे सीगे जनवरी दे विच कोई वो टुटे नहीं तेड़े नहीं कुछ नहीं होया बड़ा सेफ्टी दे नाल पहुँच गया सी ठीक है जी हाँ एक बॉक्स नहीं पिया हैगा अंदर ओदे ते ओदे विच पा लैने नहीं बोल लिया लो जी एक आ बैडशीट कढ़ मैं सगा जी अपने दीदी नूं जी बैड ते बिछा के दिखानी सीगी
बैड ना उपर तक खाली है। फिर मैं चल हूँ देखो काफ़ी नेरा हो गया, मैं चल हूँ नीचे तो इदा ही चंगी तरह दिखाई हाँ। ये आएगी जी इदा इदा ये डिजाइनिंग आएगी जी। ये ना कई कलर ऑप्शन है, मैं ब्लॉग के ना शो कर देंगे ठीक है जी। कढ़ाई भी आती है, वैसे कढ़ाई भी आती है, प्रिंट भी आता है जी। ये प्रिंट है, देखो एक पास लाइट आएगा जी। एक कॉटन क्राफ्ट मतलब कि बिच स्पंज पाई भी आ ठीक है जी। ये लो जी इदा आता है ये सैट जी। दो कुशन भरे भराए आते हैं जी, देखो जी दो हो गए, गिरना जाए तो रख दें ठीक है जी। तो एक आ होगी जी पिलो कवर, लो जी डिजाइन बहुत सोहना, सोबर का सोबर है, एक पास थोड़ा जहा डार्क भी है, इदा इन्होंने डिजाइनिंग दी भी है जी ठीक है। सोबर का सोबर भी है तो प्यारा भी बड़ा है, ना ही बहुता डार्कों के डार्क, ना ही बहुता लाइटों के लाइट। एक पास आएगा इधर चेक जी, एक पास आएगा चेक, आ लगी भी है जी सराहने के जिप जी। ये कॉटन क्राफ्ट वाले हमेशा जिप होंगी है जी, सगो मैं पहले पता भी नहीं सी, मैं सोच रही सी मैं जिप आ देखो जी ये हैगी जिप लगी भी उपर ते भी इन्होंने ए सिलाई मार के ना भी जिप दिखे ना, ये भी उन्होंने आप काम वधिया किया होया बनाने वाले ने जी ठीक है जी। ये हो गए हूँ अपने पिलो कवर, ये हो गए अपने कुशन कवर समेत गद्दियाँ, तो ये हो गए अपने पिलो कवर जड़े अपने आम होंगे ने। तो आ गई जी हूँ बैडशीट ठीक है जी। मैं थोड़ा काफ़ी सारी ना ये साइडा तो आएगा चैक जिदा पिलुआ के बिच है उदा ही डिजाइन। एक मिनट जी मैं इन्हें थोड़ी ओपन कर लवा, आ लो जी मैनू तो वैसे तो चलो सारिया ही सोहनिया होंगे ने जोड़ी भी आप खरीद लिए, पर मेरा जोड़ा मैं चुनके जो लेके आनी ना मैं उही ज़्यादा सोहना लगता हूँ। कलर डिजाइन यदा भी बहुत सोहना नाले, कपड़ा देखो तुम आपे देखो एन फुल प्योर कॉटन हाफ तो ये कल को सवेरे ही उबार के दे दूंगी क्या दे लिया दिखावा। चलो हूँ उबार दें, आ देखो जी हूँ मैं अजे ब्लॉग शुरू करा क्या मैं छली भुन के दो है क्या मैंने कहा स्वीट कॉर्न बहुत स्वाद होते हैं। मैंने ओ बाहर के नहीं मैं बाहर बाहर छिलके लिए अंदर गंद पैंदा पुत्त मैं है नहीं टोकरी च नहीं अक्षय सुन ले कर दे पुत्त बाहर बाहर लेके आ। हेलो जी ये आ गई जी बेडशीट एन फुल प्योर कॉटन, ये ना जी मतलब कि ना 90x100 तो ना साइज ये उपर होंगे ठीक है जी। जे किसी भैन ने बाहर मंगवानी ना बाहर भी उन्होंने ज पर जाएगी क्वीन ते ही किंग ते नहीं जाएगी, पर मतलब कि उन्होंने फिर भी ना साढ़े नाल तो क्वीन के भी उन्होंने गद्दे मोटे ही होंगे ने आराम नाल बिछ जाएगी ठीक है जी। एन ओनली फुल प्योर कॉटन ठीक है जी, बहुत ही सोहना प्रिंट है बहुत ही वधिया ये है जी। तो बाकी आ तुसी देख लो डिजाइन भी सोहना, एक ही फ्लावर इन्होंने डार्क का दिता बिच, ये जड़े आए हैं ना होर रंग प्रिंट वो मैं वीडियो के शो कर दूँगी तुम समझ लियो कि जी शो की दीदी ने वो सेम ये ही रंग वन शो किए हैं ठीक है जी। तो बहुत ही वधिया क्वालिटी है बहुत ही वधिया ठीक है जी। तो लो जी हूँ मैं काफ़ी टाइम हो गया उन्होंने छलियाँ भी देवगी भुन के, तो चलो दिखाने थानू वाला भी ठीक है सीन। इन्हू हूँ मैं करता पैक जी, एक तो ना वो देखो फोन के बिच मस्त होए पे हैं, ऐ नहीं हैगा भी मम्मी की थोड़ी जी होर हेल्प करा दीए देख लो। देखो गाइस क्या हो गए इसके बाल आ गए, ये बाल तो सारे नाल ज़्यादा सोहने होंगे पुत छली दे बाल मुलायम हाँ बहुत वधिया कब कच्ची है ना उबाल के दूंगी चल रुक जा दो मिनट ठीक है भुन के भुन दूंगी चल बाहर कहते बाल जी अक्सर गंद पैंदा पुत बहुत। एक बैग जी मैं थोन दिखाई वैसे तो मैं बहुत बार दिखा चुकी हूँ वीडियो के बिच, एक बैग भी जिन्हें भैन ने ना हूँ तक मेरे को बैग नहीं मंगवाए वो बैग ना जरूर मंगवायो। इन आप दो कंबल ते जा फिर रजाई सारा कुछ पा के रख सकते हैं, एक वधिया रजाई पा के ना बड़ी एक मतलब कि कंबल भी पै सकता भी मैं मतलब कि एक रजाई पा के उपर होर भी पतली जी कोई चीज़ होर भी पा के रख सकते हैं, ये बहुत वधिया चीज़ है जी। इन्ह कंबलों की इन बैगों की बहुत मौज है, जिन्हें भैनों ने नहीं मंगवाए ना ये बैग ना वो जरूर मंगवाण नाले तो मजबूती का मजबूती है बहुत ज़्यादा मजबूती करी भी आ, एक सिलाई ये बहुत परफेक्ट लाई भी आ बनाने वाले ने,
तो बाकी फैब्रिक भी बहुत वधिया नाले दी फिर बहुत मौज है जी। छोटे तो छोटे साइज भी है बड़े तो बड़े भी है जेदे विच ए पर सब नाल बिग साइज है जी। कहिंदा मैनूं छल्ली भुन के दो और बाहर काफ़ी नेरा हो गया तो बदलवाई बहुत आ गई है कई इलाकों के कई क्या पंजाब के कई हिस्सों के अज काफ़ी सारे हिस्सों के बारिश भी आई है तो मतलब कि बेहनेरी भी हनेरी तूफान भी बहुत ज़्यादा आया तो अपने इधर भी नेरी का मौसम जहाँ बनया हो पर हद तक आई तो नहीं बाल देना छल्ली। हाँ सवेरे बाल के दे दूँ मैं वाली भी बहुत वधिया लगती है राम कहानी सुन रहे मेरी तो मेरे जिन्हें भी भैन भरा मेरा ब्लॉग देख रहे हैं सुन रहे हैं मेरे बच्चे तो सुन ही रहे हैं। मैं कह रही हूँ असि तो चुले के करते होंगे तो नानी को पुराने जमाने वाला सिस्टम सब नालों वधिया पुत नाले कोई हाँ ना कोई बच्चा मोबाइल चलावे बातां सुना रही पुराने जमाने छल्ली भुन के दे रही हूँ कई इलाकों के इन्हें कुकड़ी भी कहते हैं साढ़े वैसे इलाके कुकड़ी कहते हैं पर हूँ असी कुकड़ी नहीं कहते हूँ असी तकरीबन इन छल्ली कहने कुकड़ी तो फिर बहुत भैन भरा ने बड़ा मजाक उड़ाते मैं कई ब्लॉगों के देखे कई बड़ा मजाक उड़ाया हूँ हाँ बस छल्ली कहने बट इतने अपने इधर कोई नहीं हाँ साढ़े घर च कोई नहीं कुकड़ी कहें सारे छल्ली कहने तकरीबन हूँ अपन भी उही आदत पै गई आप भी इन्हू छल्ली ही कहने उसको अग लग गई है पूरी काली आंदे पू ऐ नहीं भी जो मैं कोले करने आ सिर्फ दाने नू काला हो जाते हैं सारे जान दे, पक जान दो इस तरह देखना अजय कितने हो गए और टाइम लगूगा चूल्हे के बीच तो चाहे घट्टो घट्ट ना चार पांच कट्ठियां गेर दे। अच्छा कई कई पता क्या करते हैं पता कई तो अज अग भर के लाते कई तो देखो ये तो मम्मी लेके आए हैं भिंडी ना घिया की सब्जी ताजी तड़वा के घिया बच्चों की सब तो दुश्मन सब्जी है हाँ आप तो बहुत बहुत वधिया बनती है एन ताजी तड़वा के लेके आए हैं घिया इधर ये आ गई छलियाँ ये हो गई छलियाँ जी तो इधर आ गई भिंडियाँ डिजाइन देखो डिजाइन नहीं पता ओ है मुसगी ना कट्ठे ते फिर तरबूज भी ले नहीं नहीं तेरी कितने भुन गया जे तरबूज ते ना फिर वजन करके होगी हाँ जी ए ताजी एन ऑरगैनिक है ताजी खेतां दी है ए मतलब कि ना गंदे पानियां वाली सब्जी नहीं हैगी ए ताजे खेतां दी सब्जी है। मम्मी देखना मम्मी मम पुखरी लेडी फिंगर भिंडी मेरी फेवरेट सब्जी है ओए वो मेरी ना बुत है ना मम्मी मारूंगी मम्मी देखना बन गए क्या ये नहीं नहीं हाले रुको दो दस मिनट सबर करो अच्छा काला नमक भी पहले ही रख लिया अरे नींबू भी कट के पहले ही रख लिया हूँ तो नींबू का भी रेट घट गया 400 रुपये किलो तो घटिया देख लो रेट नहीं तो कितने रेट जा रहा था दूर हो जा अख में पै गया ना तू भी दूर हो मैं तो हो भी अब ढक फुटने लगा ना तीन वाले गैस है तीन गैस है पहले एक दो के तीन वाला गैस चार भी होते हैं बढ़िया ग्लास है बेटा अपने दा ये ग्लास लिखो काफी पुराना हो गया ये अब ला कितने पुराना होए वैसे ही साफ करने वाला हो रहा है थोड़ा जा मुझे ठीक है फिर भी चल कल करूंगी साफ जरा रात में करूंगी मम्मी ऊपर का करना है देखो क्या आएगा ना बुत मम्मी भुन लो जी बच्चे दोनों भैन भरा लगे हुए हैं छलियां भुनन है ए जरूर खाणगे जी ते नाल दी नाल सारे भैन भरा तुसी खाणे तुसी भी आ जाओ जेडे विदेशां च बैठे ओ भी आ जाओ ठीक है छल्ली खाण वास्ते जेडे मेरे समुंदर पार करके एक छल्ली खाने आई है हां क्यों नहीं पुत्त जरूर वेलकम सारेयां दा हम जा रहे हैं क
कहते अंड खाइए बंड खाइए, ठीक है बंड के खानी चाहिए दी है। दीदी मैं प्लेट करना। हाँ, एक मिनट मैं ला के दूंगी जी। लो जी अपने भांडे भी दिखाते चादर भी दिखाती ते आ छली दी भुन बनाई भी होगी हुण मैं सगो रात हो गई है आटा गुन्नागी ठीक है जी ते इन्हां नूं दे दे मैं नमक नमक ला के। हाँ इन्हां नूं लग रही है बहुत भुख ठीक है जी। तो फिर अज का ब्लॉग इन्ना ही जे थोड़ा मेरा ब्लॉग वधिया लग्या होया ब्लॉग नूं वध तों वध शेयर जरूर कर दिओ सबसक्राइब जरूर करो। हाँ ये प्लेटा बहुत टाइम हो गया। दादी मम्मा लिए कही ये नानी ने दी से छोटी सी क्योंकि ये खाने साढ़े बच्चे तो तकरीबन ना एक पास मैं सलाद रख दी हूँ कभी कट के एक पास सब्जी अगले पास चावल रोटी जो भी। चलो जी हम ब्लॉग का एंड अप इत करते हैं। एंड करने तो पहले जो तुम चैनल से नए प्लीज वीडियो सबसक्राइब जरूर करो लाइक करो बद तो शेयर करके जरूर दस्यो तुम मेरा अज का ब्लॉग किमें लगे। तद तक लिए बाय बाय सारे बोलो जय श्री कृष्णा।